मैं बिस्किट ले लिया हडांचे सफरे घेऊन हे करुणा करा आम्ही खेळण्याने कोणाच्या पायावरती डोकं आदळायचं रे दूर वा सगळ्या सगळं काही निरर्थक आहे जो आपल्या जागी कामपणे उभा आहे तो मी आहे मी आहे एथेनो मी आहे हेमलेट सुधाकर मी आहे गणपत रामचंद्र बेलवनकर नट समजा सूर म्हणतो सात दे दिवा म्हणतो वात दे पुन्हा म्हटल्या माताऱ्याला फक्त तुझा हात दे फक्त तुझा हात दे समजा हा डायलॉग जर निळू फुले यांना दिला तर निळू फुले आपल्या अंदाजामध्ये To be or not to be, that is the question. जगावती मरावं हा एकच सवाल हे विधाता इतका कठोर का झाला सर एका बाजूला आम्ही ज्यांना जन्म दिला ते आम्हाला विसरतो दुसऱ्या बाजूला आम्हाला ज्याने जन्म दिला ते तूही आम्हाला विसरतोस मग विस्कटलेल्या हडांचे सापळे घेऊन हे करून करा आम्ही खेळण्याने कोणाच्या पायावरती डोकं आदळायचं रे दूर वाचू सगळं काही निरर्थक आहे जो आपल्या जागी ठामपणे उभा आहे तो मी आहे जुलियट सीझर मी आहे ऍथेल मी आहे सुधाकर मी आहे सुधाकर मी आहे सुधाकर गणपत रामचंद्र बेलवनकर नटसम्राट सूर म्हणतो साथ दिवा म्हणतो वात दे उन्हा मधल्या म्हाताऱ्याला फक्त तुझा हात दे फक्त तुझा हात दे जर डायलॉग हा अशोक सराफ यांना दिला तो तर अशोक सराफ आपल्या अंदाजामध्ये टू बी ऑर नॉट टू बी दॅट इज द क्वेश्चन जगावं की मरावं हा एकच सवाल हे विधाता इतका कठोर का झाला असून एका बाजूला आम्ही ज्यांना जन्म दिला ते आम्हाला विसरतात दुसऱ्या बाजूला आम्हाला ज्याने जन्म दिला ते तूही आम्हाला विसरतोस मग विस्कटलेल्या हाडांचे सापडे केले हे करून कर आम्ही खेळपणाच्या खांद्यावरती डोकं आपल्याचं दुर्गा सगळे सगळं काही निरर्थक आहे जो आपल्या जागी ठामपणे उभा आहे तो मी आहे सुधाकर मी आहे हेमलेट मी आहे गणपत रामचंद्र बेलवनकर नट सम्राट सूर म्हणतो साथ दे दिवा म्हणतो वाट दे उन्हा मधल्या म्हाताऱ्याला फक्त तुझा हात दे फक्त तुझा हात दे झपाटलेला ह्या चित्रपटातील दिलीप प्रभावळकर तात्या विंचू यांचा आवाज मी आपल्यासमोर सादर करत आहे लक्ष मी बावला नाही तात्या विंचू बोलतोय ओम भग भुगे भगनी भाभोत्री ओम क्रीम स्वाहा लक्षात मला मुंबईला जायची वाट दाखव तू ये इकडे काय मी तिकडे येऊ ओम फट स्वाहा लक्षा मी बावला नाही तात्या विंचू बोलतोय ओम फट स्वाहा सादर केत आहे हिंदी चित्रपटातील काही आवाज मोजकेच आवाज चित्रपटाचं नाव घातक चित्रपटातील डॅनी डेंगजोपा आणि सनी देओल यांच्यातले संवाद सादर करत आहे कशिनत हमें खुशी हुई तुम्हारी बात तुम्हें देखकर तुम भी खुश हो गए जान करके आज के बाद तुम हमारे गिरोह में काम करोगे ये मजदूर का हाथ है का दिया लोहा पिघल कर उसका आकार बदल देता है ये ताकत उन पशुओं से कमाई हुई रोटी के है मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं कीड़ों मकोड़े की तरह गली में रहने से बेहतर है हमारे साथ रहो मर्दों की तरह तू चाहता है मैं तुम्हारे यहाँ कुत्ता बन के रहूं तू कहे तो काटू तू कहे तो भोकू बस ऐसा ही समझो हमारे साथ रहोगे तो नाम होगा तुम्हारा रुपये पैसा ही ना मिलेगा तुझे लोग डरेंगे तुमसे डरा कर वो जीता है जिनके हड्डियों में पानी भरा होता है मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा दिया अंदाज है अमरीश पुरी इनका एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज
like Japan, America, Australia, the tendency of people have both give and take. But in India, the tendency of people have only gave, sir, pyar dena. इंदर जी चट्टा कभी शिकस्त नहीं खाता, चाहे तो केस दबाता मगर शिकस्त नहीं खाता। अंदाज है शक्ति कपूर, ये डायलॉग है नाना पाटेकर इनकी फिल्म थी परिंदा, लेकर आ रहे हैं शक्ति कपूर। आओ किसका आदमी है, मैं आने तक जिंदा लगा, सब मुर्जा का काम, बड़ा आदमी को भेजा, बाद में प्रकाश को कबल कर दे। क्यों प्रकाश, अन्ना को डराना चाहते हो, सबूत लाओ, गवाह ढूंढो, फिर ले जाना, मैं खुद चलूंगा तेरे साथ। दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं, इसका इलाज खुद को करना पड़ता है, दुख को बोलना पड़ता है। आओ डाकू चुके, डाकू चुके, डाकू चुके। अगर ये डायलॉग, जर हा डायलॉग परेश रावल यांना दिला तर परेश रावल आपल्या अंदाजामध्ये इसका आदमी है, मैं आने तक जिंदा रखो, सब मुसा का काम, पहले आदमी को भेजा, बाद में प्रकाश को खबर कर दी। क्यों प्रकाश, अन्ना को डराना चाहते हो, सपोर्ट लाओ, गवाह ढूंढो, फिर ले जाना, मैं खुद चलूंगा तेरे साथ। दुख नाम के बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं, इसका इलाज खुद को करना पड़ता है, दुख को भूलना पड़ता है, समझा। अब तुम इधर आ, ये भाई भाई का नाटक बीच में आया ना तो दोनों से भी कोलों से उड़ा देना, साला कहीं का। मान लीजिए शोले फिल्म से, शोले फिल्म से असरानी हमने कहा अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के जलन है, कैदियो कान खोल कर सुन लो, आजकल हमारे जेल में जो कुछ होते जा रहा है वो जब तक हम है तब तक नहीं चलेगा, नो नो नो। हमें मालूम है हमारी बदली इधर से उधर हो जाती है, फिर हम नहीं बदले, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, यानंतर सादर करता है एक डायलॉग संजय दत्त का, संजय दत्त परिंदा फिल्म का डायलॉग है। अरे बाबू किसका आदमी है, मैं आने तक जिंदा रखू, सब मुसा का काम, पहले आदमी को भेजा, बाद में प्रकाश को खबर कर दी। क्यों प्रकाश, अन्ना को डराना चाहता है, अरे सबूत लाओ, कवा ढूंढो, फिर ले जाना। तालियां चाहिए तालियां। जर हा डायलॉग सदाशिव अमरावपूरकर यांना दिला, स्वर्गीय सदाशिव अमरावपूरकर यांना, ए कैप्टन किसका आदमी है, मैं आने तक जिंदा रखो, सब मुसा का काम, पहले आदमी को भेजा, बाद में प्रकाश को खबर कर दी। अब्दुल इधर आओ, ये दोनों भाई का प्यार बीच में आया तो दोनों से भी गोली से उड़ा देना। हमारे धंधे में कोई किसी का भाई नहीं होता। अंदाज है स्वर्गीय अजीत जी, किसका आदमी है, मैं आने तक जिंदा रखो, सब मुसा का काम, पहले आदमी को भेजा, बाद में प्रकाश को खबर कर दी। क्यों प्रकाश, अन्ना को डराना चाहते हो, सबूत लाओ, गवाह ढूंढो, फिर ले जाना, मैं खुद चलूंगा तेरे साथ। ये दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं, बाय, सी यू, थैंक यू। सगळे आयोजकांचं पुन्हा एकदा मी मनपूर्वक आभारी आहे, थैंक यू। जय भवानी, जय भवानी।